इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। हरियाणा के पलवल में एक अज्ञात सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को ट्रोल करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। संघ कार्यकर्ता ईश्वर जिंदल ने पंचकुला में शिकायत की थी कि जिसके आधार पर सेक्टर 10 पुलिस थाने में सेक्शन 153A, 153B और 295A के तहत केस को दर्ज किया गया है। ईश्वर जिंदल ने पंचकुला थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि मोहन भागवत के खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक नया संविधान लिखा है जो हिंदू धर्म पर आधारित है। ईश्वर जिंदल ने कहा है कि व्हाट्सएप पर ये झूठा संदेश फैलाया गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस व्हाट्सएप मैसेज में ये भ्रम फैलाया गया है कि देश में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। शिकायतकर्ता ने ये भी कहा है कि मैसेज संघ को बदनाम करने के मकसद से लिखा गया है और इस मैसेज में संघ प्रमुख मोहन भागवत की फोटो लगाई गई है। शिकायतकर्ता ने ये भी कहा है कि इस तरह के मैसेज का मतलब संघ को बदनाम करना है। इस शख्स ने कहा है कि ऐसा करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाए। ईश्वर जिंदल ने कहा है कि देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को तुरंत विफल किया जाना चाहिए। पंचकुला के सेक्टर 10 के स्टेशन इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने भी कहा है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह का एक मैसेज वायरल हो रहा था और इस पर अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के वायरल मैसेज आते हैं जिसका वास्तविक में कोई तथ्य नहीं रहता है, उसे बिना सोचे समझे आगे किसी को भी शेयर ना करें, वरना आप भी किसी की कंप्लेंट करने पर इसी तरह फंस सकते हैं। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।